गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग सुबह सुबह 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि गाइज अभी हम लोग कपड़े वपड़े धो के आए हैं। तो गाइज देख रहे हो कितने धुंध पड़ रही है, कितनी ठंड पड़ रही है। तो गाइज आज स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर की छुट्टी थी, तो अभी दोस्त सब आएंगे तो हम लोग नहाने जाएंगे, मतलब सॉरी स्टेडियम जाएंगे खेलने। तो गाइज देख रहे हो ठंड वैसे कितनी भी हो, लेकिन हम लोग खेलना नहीं छोड़ेंगे स्टेडियम में। ये देखो गाइज अपने कपड़े, ये ड्रेस है अपनी, तो ये सब धो के अभी अभी आए हैं। हाथ पैर मुझे देखो लग रहा होगा। मैं अभी सिराज आया था, बोला था कि स्टेडियम चल, तो कह रहा मैं अप्पू सबको बुला के ला रहा हूँ फिर चलेंगे। अभी आया देख रहे हो भाई कुछ दिख नहीं रहा है। तो भाई अभी 10-15 मिनट बाद स्टेडियम जाएंगे फिर दिखाएंगे। आज बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, गाइस 10-15 मिनट में आता ही होगा। फिर उसके बाद जाते हैं कपड़े वपड़े पहन लें, उसके बाद जाएंगे स्टेडियम, फिर गाइस वहाँ दिखाएंगे आप। गाइस फाइनली हम लोग स्टेडियम जा रहे हैं, वो चूतिया खड़े वहाँ पे आगे खड़े गए, साड़े छोड़ के भाग गए, मैं वहाँ चीज लेने चला गया भाग गए। तो गाइस वो अब जाएंगे स्टेडियम, गाइस जो कि मैच खेल लूँगा फिर घर आ जाऊँगा अपने स्कूल काम पर। अरे बच्चे यहाँ पे मुझे भाई से दिख रहे होंगे, साढ़े हो रहे आगे तो वो जा रहे। तो भाई एक प्रियांशु भी आएगा उसे घर पर माचिस लेने गए थे, आग जलाने लगा, बहुत ठंड हो रही है, अरे फिर माचिस ले लें आग आग जलाएंगे वहाँ पे। ये तो मैच खेल देख रहे इतनी धुंध पड़ रही है, बच्चे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो भाई फिर जाते हैं वहाँ मिलते हैं, अरे तीनों बैट बॉल तो लेके नहीं है, बस बॉल बॉल लेके आते हो, बॉल से खेल रहे हैं। बैट अगर कोई लाया होगा तो खेलेंगे, नहीं तो बैठे हैं, फिर कोई आएगा तो उसके हाथ से खेलेंगे। अरे चूतिया है, बॉल में बैट नहीं लेके आते, थोड़ा बैट घर पर रखा हुआ है लेकिन फिर नहीं रहेंगे। देखो भाई स्टेडियम में कोई नहीं है, कोई एक बंदा नहीं, बस वही बंदा है वहाँ पे है और वो भी गार्ड है। चूतिया देखो ये साल अपनी साइडी से बात करें इसलिए फ़ोन मांगे मेरे से। तो गाइस फाइनल स्टेडियम पहुँचे, देखो बंदे बंदे हैं, फाइनली मैच लग चुका है और सिराज ने लगाया उसके साथ आई सर, और आज मैं आई उसके साथ ही खेल रहा हूँ, उनको आज हराना है कुछ भी करके। मैंने मैच नहीं लगाया भाई, पैसे वैसा नहीं है भाई, इतना पैसा मत फोकस सोचोगे फालतू में हार उड़ जाओगे। अरे भाई आज उनका हराना है, सूरज अपर सिराज नहीं टीम से दिमाग खराब कर रहा है, अकेले आ गए ना साढ़े भाई देख रहे पीछे साढ़े अकेले छोड़ देना, मैं मस्त मस्त लेने चला गया पैंस घर पर और आगे आ गया, फिर अकेले आना पड़ा ना आगे रास्ते। फिर उसके बाद अभी नहीं को हराना है, अपनी फील्डिंग आ चुकी है और बैटिंग मजे कर रही है वक्त से, याद हराना है कुछ भी करके ठीक है। तो गाइस देखते हैं कितने रन बनाएंगे, कितने ओवर कराते हैं, फील्डिंग पे आ चुके हम तो यहीं पे लगते हैं अपना लैग में। तो गाइस देखो वो खेल रहे सूरज और वो है उधर, तो हराना कुछ भी करके मैच नहीं लगा रहे थे, 11 नंबर का मैच लगाना है। अरे वो बोल गए अभी तो भाई जब बैटिंग आई जब मिलते हैं देखते कितने रन बना पाएंगे 6-7 ओवर में। ये इधर बच्चे खेल रहे थे, बैटिंग आ चुके हैं, देखो ओपनिंग पे अप्पू चढ़ा है और इधर पंजाबी रन डाउन है, 2 डाउन पे आऊँगा। देखो भाई जो सिराज इसी समय ऐसे लगा पड़ा है यहाँ पे, वैसे 1 डाउन है 2 डाउन पे आऊँगा आराम से, जितना है बस 52 रन बनाने हैं 6 ओवर में बन जाएंगे इतना। तो फिर वैसे आई मैसी साइड से खेल रहे हैं, आज इसे जिताना पड़ेगा, वैसे जीत ही जाएगा अप्पू है ना इसमें तो जिता देगा आराम से। वापस देख रहे हो पूरी धुंध हट गई है, सूरज बाबा आ गए हैं, अब खेलने मजा आया गाइस। और देखो गाइस प्रियांशु घर से माचिस लेके आया था, कोई काम की जरूरत नहीं पड़ी, वो सूरज माच भाई सूरज वो बॉलिंग करा रहा है, जीता जीता मैच हार के मैं गया पहली बॉल पे आउट हो गया, बॉली टच नहीं हुई और आउट फील्डिंग में। तो भाई दोबारा फील्डिंग आ चुकी है, तो मैच तो हार गए क्योंकि जीत की बैटिंग है ना, तो दोबारा बैटिंग कर रहे हैं, कोई नहीं अपना यही तो आ रहा है बुढ़ा, 50 रुपये बहुत जीत जाता साड़ा, इतना पैसा रख के करेगा। तो भाई दोबारा है कैच, जैसे हमेशा कभी कभी एक दो बॉल पर आउट ही हो जाते हैं, कोई नहीं गाइस होता, दोबारा बैटिंग आएगी। गाइस दोबारा यहीं पर आ चुके हैं, बॉल एक भी नहीं आती गाइस यहाँ पे, बहुत फायदा है यहाँ पर लगने का। अरे वो प्रियांशु गाइस जिससे हमने वहाँ से लेके आया था, मेरा प्रियांशु खत्म हो चुका है, लास्ट ओवर चल रहा है इसका, इसका बैटिंग आनी है अपनी, उनके पता नहीं कितने रन बने हमें कोई मतलब नहीं, अपना खाली बैठ रहे इधर किसी किसी से बात करते रहो तब बैटिंग आएगी। बोले भाई प्रियांशु पहुँच गया बैटिंग करने, अपना अकेले इधर खड़े रहते हैं, बॉल आने आएगी नहीं आने, यहाँ पिछली बार तो आउट हो गया, बहुत देर में बैटिंग आई थी पहली बॉल पर आउट हो गया, इस बार आउट नहीं होना है गाइस, मैं तो आउट हो गया जवाब में 3 बॉल खेल गया, पता नहीं गाइस क्या हो रहा है, किस्मत खराब है मेरी, अगर तो मैं ही खराब हूँ, आउट हो गया।
तीन ओवर में गाइस 18 रन चाहिए और ये बंटी है, इन्हें मारने आपको आउट हो गया गाइस। जीत तो जाएंगे, तीन ओवर में 18 रन चले जाएंगे। वैसे तो हम लोग पिछला मैच तो हार ही गए थे, दोबारा मैच लगा, दोबारा फील्डिंग आ गई हमारी, देख लेना कि हम फील्ड वो कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, तो ये इधर ही मारेगा भाई, लेकिन बोल नहीं आएगी। तो आज वाला दो मैच हार चुके बेचारा, बेचारा 100 रुपये हार चुका है, सबसे पहला 50 का था, दूसरा 50 का था, दोनों हार गए, ये तीसरा मैच है, देखो जीतता ही हारता है, कोई नहीं आज बहुत जीतता ही था, एक दिन हार गया तो क्या हुआ। फाइनली मैच जीत चुके हैं, वाला मैंने जिताया गाइस, दो छक्के मारे, दो चौके मारे, तो इस दोबारा मैच लगा गया, वो दुबई से चला गया, अभी दूसरे बंदे आए उनके साथ खेल रहे हैं, बड़ा पड़ा पंजाबी कह रहे मुझे भी ले लो ब्लॉग में, ले ले ऐसे भी। तो गाइस क्रिकेट विकेट खेल के आ चुके हैं और इधर तो यहाँ पे आ गए, इधर रस्सा चढ़ने, इसी आदमी में रस्सा चढ़ेगा, सब सब घर जाएंगे। अरे अब जा 100 रुपये हार गया, सब मेरे चक्कर में हार गया, मैंने भी आउट हो गया। गाइस इधर रस्सा सा चढ़ के आ गए, अब यहाँ पे कुश्ती करेंगे सब, इस वाले ग्राउंड में आ गए जिसमें हम रनिंग करते थे पहले, फिर यहाँ पे कुश्ती करेगा मेरे साथ, कौन करेगा, ये करेगा मेरे साथ, नहीं करेगा बेचारा, 100 रुपये हार गया आज मेरे चक्कर में, मैं भी नहीं मारा, इसे तो आता ही नहीं, मेरे को तो कौन सा आता है, उल्टा लटक रहा है, वही गिरेगा सिराज विंडो बस। स्टेडियम से आ चुके हैं, तो गाइस जब घर पे आ चुके हैं वो लोग अपने घर चले गए, मैं तो वो लोग बनाए नहीं रखते हैं, गाइस मेरे आँख में चोट लग गई गाइस, देखो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कुश्ती कर रहे थे ना उसमें लग गई चोट गाइस, बहुत दर्द, इसलिए वो लोग नहीं बनाया, खून वून आ गया था भाई, खून आ रहा होगा भाई, दिख रहा होगा आपको भाई, चोट तो लगती रखती है। तो भाई अभी शाम को हम लोग घूमने जाएंगे, हम सारे दोस्त तो दिखाएंगे आपको, हम हो चुके हैं, इन सबके साथ आ चुके हैं घूमने, ये लोग जा रहे चिकन विकन खाने, मैं तो खाऊंगा इसलिए मैं मोमोज खा लूँ, कुछ और खाऊंगा, फिर हम कुछ देखने जा रहे रोड पर, कुछ नीचे फालतू में ठुक जाऊँगा, फिर फ्लैश लाइट होना है, थोड़े दिन बात करें कुछ कुछ, मैं लोग मैं भूल गया, चलो देने खाने गाली देते हैं, आराम में खाएंगे, तो भाई वहाँ जाके मिलते हैं, लोग चिकन खाएँगे, मैं तो मोमोज वोमोज खा लूँगा बस, तो गाइस देखो हम लोग जा रहे हैं हरियाणा में, अरे भाई वहीं जा रहे चिकन खाने हरियाणा, अरे ये दो ये जा रहे चिकन खाने अपने, अरे तो गाइस गाड़ी है आई वे गाइस, पैदल पैदल हरियाणा के अंदर आ गए हम लोग, अरे रस तो गाइस अभी चिकन विकन खा जाएंगे तो फिर हम दिल्ली आ जाएंगे, तो गाइस तो खाने आ चुके हैं, खा रहे तीनों लोग, अरे गाइस अब जाके कुछ और खाऊंगा, घूमने जाएंगे तब खाएंगे दूसरी जगह, हम लोग पता कैसे कहाँ खाने हैं, हम लोग हरियाणा खाने आए हैं दिल्ली से, कैसे तो वहाँ पे भी ऑर्डर दिखेगा, अभी जाके दिल्ली जाएंगे ना, तो गाइस खावा के आ चुके हैं, ये देखो गाइस अब हम जाने वाले दिल्ली, देखो दिल्ली दिख रहा होगा आपको, नहीं जाइए लोग तो खा के आ चुके हैं, हम लोग जाएंगे खाने, खाने मेरे को खा लेंगे आराम में, हाँ अरे पेट भर गया, पेट भर गया, तीनों मजे बाजार में आ गए दुकान में, हाँ देखो दिल्ली बस पहुँचने वाले हैं बस, देखो भाई दिल्ली से हम हरियाणा पैदल पैदल आ गए, दिल्ली से दोबारा सॉरी हरियाणा से दोबारा दिल्ली जा रहे हैं, देखो दिल्ली दिख रहा ना गाइस, दिल्ली में आपका स्वागत है, हमारा भी कोई स्वागत करता है, गाइस फाइनली खावा आ चुके हैं, 11:30 है मैंने छोड़ ठीक है, 3:30 आराम ही है गाइस, 50 के मोमो लिए 20 मिले और 10 ही मैंने खाया, सारे खा गए लोग, और चिकन भी खा लेंगे 300 रुपये का, 50 के मोमो खाओ उसमें सिर्फ खाने को ना थे, साढ़े अब सी यही है तीनों, साढ़े यही तीनों, हाँ ध्यान से देख लो
ये तो भाई पता नहीं कौन है, जिसे जहाँ मिल जाए वहीं मार दो। तो भाई जब जा रहे हैं घर, सुबह वाले हाईवे पे आ गए अपने घर है वो। तो भाई हमारे यहाँ खुला है फैक्ट्री, और किलो भाई जो इन्हें तो फोकस करना पड़ता है यार, फैक्ट्री है वो कर जाएंगे वो दिखानी है फैक्ट्री आउटलेट आउटलेट गज रो हाईवे जा रहे हम बस खा पी के आ गए गज खा पी के हम रनिंग मारेंगे अब बस दो तीन महीने पेपर देने से खाली रहना से ऑफिस करते हैं और अपना ग्रुप एक बहादुर है गाइस जिसमें हम एक तारीख को घूमने वूमने आ जाए ना गज रोल के और इधर तीन आ रहे हैं आपस में बात करते हुए वहाँ खाने आ गया हूँ मोमो जी रहेगा मोमो जी तो साढ़े अस्सी खुद भी खा गया था 100 रुपये के मेरे अस्सी यही है तीनों साढ़े यही। ये तो भाई पता नहीं कौन है जिसे तो भाई जब जा रहे हैं घर सुबह वाले हाईवे पे आ गए अपने घर है वो तो भाई हमारे यहाँ खुला है तंदूरी वाइट में खाने चलेंगे किसी दिन फैक्ट्री हो और इधर होते ना आ रहे हैं आपस में बात करते हुए।